चीन में भिखारी भी अब डिजिटल हो चुके हैं। वे भीख मांगने के लिए QR कोड और ई वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उनकी हफ्ते की कमाई 45,000 रुपए तक हो रही है। वजह ये है कि यहाँ की कई ई वॉलेट कंपनियों ने भिखारियों को QR कोड उपलब्ध करवा दिया है। QR कोड के स्कैन करते ही भीख देने वालों का डेटा इन कंपनियों के पास पहुँच जाता है। ये कंपनियां डेटा को बेचकर अच्छी खासी रकम जुटा रही हैं। कोड वाले भिखारी पर्यटन स्थलों पर अधिक चीन में अलीबाबा की अलीपे और वीचैट बड़ी ई वॉलेट कंपनियों में शामिल हैं। चीन के पर्यटन स्थलों और सबवे स्टेशनों के आसपास ऐसे भिखारी देखे जा सकते हैं जिनके पास डिजिटल पेमेंट या QR कोड सिस्टम मौजूद है। दरअसल चीन में भिखारियों के डिजिटल होने की बड़ी वजह यह है कि उन्हें आसानी से भीख मिल जाए और कोई छुट्टे पैसे नहीं होने का बहाना भी न बना पाए। यानी जिनके पास छुट्टे पैसे नहीं है वे भी QR कोड को स्कैन कर भिखारी की मदद कर सकते हैं। स्कैन करने से ही भिखारी को कुछ न कुछ मिल जाता है। ये QR का प्रिंट आउट दिखाकर लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे अलीबाबा ग्रुप के अलीपे या टाइमसेंट के वीचैट वॉलेट के माध्यम से इन कोड को स्कैन कर उन्हें भी दे। स्थानीय चैनल के अनुसार इस व्यवस्था में बाजार जुड़ गया है। कई तरह के स्पॉन्सर कोड आ गए हैं। भिखारी को अगर कोई कुछ न दे लेकिन सिर्फ स्पॉन्सर QR कोड को स्कैन कर दे तो भी उसे कुछ न कुछ रकम मिल जाती है। इसके जरिए भीख देने वालों का डेटा कंपनियों के पास चला जाता है। चीन में भिखारियों को अपना खाता संचालित करने के लिए मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है। QR कोड से मिली रकम सीधे उनके डिजिटल वॉलेट में चली जाती है। इसी QR शीट के जरिए वह किराना दुकान या अन्य स्टोर से सामान खरीद सकता है। इसमें खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए बैंक खाते की भी जरूरत नहीं होती।